करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। बजरंगी भाईजान के एक आपत्तिजनक शब्द से पूरे वाल्मीकि समाज का स्वाभिमान आहत हो गया है। दरअसल भाईजान शिल्पा शेट्टी के डांस रियलिटी शो में अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन रियलिटी शो में सलमान की गंदी बात से वाल्मीकि समाज खासा नाराज है। यही वजह रही कि पूरे प्रदेश में वाल्मीकि समाज के लोग सलमान खान के विरोध में नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। जयपुर के अलावा कोटा में भी आकाश सिनेमा में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए, साथ ही सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की कोशिश भी हुई। अजमेर के किशनगढ़ में मुख्य चौराहे पर सलमान खान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं बीकानेर में सूरज टॉकीज में वाल्मीकि समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया। वाल्मीकि समाज के को लेकर शिल्पा शेट्टी और सलमान खान ने अभद्र व्यवहार किया है, जिसमें वाल्मीकि समाज को बहुत ही आघात पहुंची है। वाल्मीकि समाज के लोगों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी के डांस शो में सलमान ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाते हुए शिल्पा शेट्टी और सलमान के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। वाल्मीकि समाज से सलमान खान माफी नहीं मांगते तो पूरी देश अभय आंदोलन चलेगा और वाल्मीकि समाज हरिजन एक्ट के मुकदमा कायम करेंगे। इस पूरे मामले पर फिलहाल सलमान खान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अपनी इस गंदी बात के लिए वाल्मीकि समाज से माफी मांगेंगे सुल्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस देश में सबकी भावनाओं का और हर कुनबे का, हर जाति का सम्मान होना चाहिए, और ये करना, कहना और अपने आचरण में दर्शाना जरूरी है सभी के लिए। और अगर किसी से भूल चूक हुई भी है तो उसे माफी मांगनी चाहिए, और अगर नहीं मांगी जा रही तो फिर सवाल बनता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, दीपक डंडोरिया साहब, संरक्षक हैं वाल्मीकि सेना के, जयपुर से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दीपक जी आपका स्वागत है। अजय जैन जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। AK जैन सर आपका स्वागत है। बाल मुकुंदाचार्य साहब पीठाधीश्वर हैं हाथोश धाम के, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बाल मुकुंदाचार्य सर आपका स्वागत है। और हमारे साथ अंशु हर्ष, फाउंडर RIF जुड़ी रहेंगी। अंशु हर्ष आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं AK जैन सर आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जाति सूचक टिप्पणियां करना, वाल्मीकि समाज को आहत करना, हरिजन एक्ट क्या कहता है सर, इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, और क्या जो सलमान खान ने कहा है अगर आपने सुना है तो वो उसके दायरे में आता है कि नहीं आता? सलमान खान ने रियलिटी शो में ये कहा है कि जो मेरा डांस डायरेक्टर मुझसे कुछ ऐसे स्टेप करवाता है जो मुझे सूट नहीं करते, मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते, तो मैं उस शब्द को मैं नहीं बोलूंगा, वो समझ डैश डैश वो हो जाता हूँ, वो समझने लग जाता हूँ। उससे कह के उन्होंने पूरी कम्युनिटी को एक अपमानित के लोअर करने की कोशिश की है कि जैसे वो मेरे मुकाबले या और कम्युनिटीज के मुकाबले बहुत निचले स्तर पाई हुई है, और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है उसकी धारा 3P इंग्लिश में 3U के अधीन इस तरह की कोई बात कहना जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को SC ST की उस कम्युनिटी को लोअर डाउन करती हो वो कॉग्निजेबल अपराध है, जिसमें सजा 5 साल की सजा का प्रावधान है, अनलिमिटेड जुर्माने का प्रावधान है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इतनी बड़ी बात कहने के बाद एक, और वो भी जानबूझकर, इसका मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी मेरे बराबर की नहीं है, मैं बहुत ऊंचा हूं, ये नीचे, वॉट एवर मे बी, जो हिंदुस्तान के संविधान के और हिंदुस्तान की मूल कानूनी भावना के विपरीत है, मानवता के विपरीत बात कही है और कानूनी रूप से अपराध है, ये कॉग्निजेबल अपराध है। अब तक सलमान खान और शिल्पा शेट्टी दोनों के विरुद्ध मुकदमा 100 मोटो दर्ज कर लेना चाहिए था। सलमान खान जिसको सरकारें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, शिल्पा शेट्टी जो ब्रांड एम्बेसडर बन के जाती हैं, वो लोग अगर ऐसी हरकतें करेंगे और उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो कानून के सामने सब बराबर है, ये बात खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो SC ST एक्ट की धारा 3P के अधीन तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस मामले में उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे सलमान खान हो, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम आदमी। ठीक है, दीपक डंडोरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक डंडोरिया साहब, जो कुछ AK जैन साहब ने कहा है ना, उसे सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए, आपको कटघरे में खींचना चाहिए। अगर किसी ने ऐसी जाति सूचक टिप्पणी की है, सार्वजनिक मंच पर की है,
और इतनी बड़ी कम्युनिटी की भावनाओं के विपरीत की है। मैं ये कह रहा हूं सर कि फिर तो आपको उनको खींचना चाहिए कोर्ट में। बिल्कुल, उनको कोर्ट में खींचेंगे, कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे और हमने कर भी दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों लोग देश के सलमान खान जी को फॉलो करते हैं, वो एक ब्रांड एम्बेसडर है, सुपरस्टार है। उनकी ऐसी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो वाल्मीकि समाज को कितना घृणित समझते हैं, कितनी घिनौनी बात उन्होंने जो बोली है कि वो कितनी ईर्ष्या और कितनी घृणा हमसे करते हैं। और ये बहुत ही कड़वी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, क्योंकि वाल्मीकि समाज इस देश में सबसे अच्छी कौम है, देश के रियल सोल्जर वाल्मीकि समाज है। अगर आप देखेंगे तो रियल सोल्जर और मार्शल सम्मान करते सर समाज है, सम्मान वाल्मीकि समाज आज जाग चुका है। और इन लोगों ने जो कार्रवाई की और जो तथाकथित हिंदू लोग, जो हमें हिंदू होने पर भी अपने शर्म आती है, आज हम अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, जो हिंदू अब हमारे नाम से अपनी राजनीति को फर्श से अर्श पर ले जाते हैं। मेरा उन लोगों से ये सवाल है, आज सलमान खान की टिप्पणी पर कई दिनों से राजनीतिकरण नहीं हो सर, आज सलमान खान की टिप्पणी, राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सलमान खान पर कार्रवाई होनी चाहिए, सलमान खान के खिलाफ हम एक्शन करेंगे। और अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा। और सलमान खान जी को यह पता चल जाएगा कि वाल्मीकि समाज वास्तव में मार्शल कौम है कि नहीं है। और मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, जो मैं बात कह रहा हूं वो मेरी पीड़ा है, मैं खुद वाल्मीकि समाज से आता हूं। जितनी घृणित बात, जितनी गंदी बात उन्होंने कही है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जी राजस्थान ने ये जो टाइटल रखा मुझे बहुत पसंद आया, टाइगर गंदा है। गंदा ही नहीं, वो महागंदा है, ठीक है। दलितों में भी हम महादलित हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि किसी सेलिब्रिटी को ऐसे बोलने का अधिकार है क्या? हमें ये वो बताएंगे या अपमानित करेंगे, ठीक है, कि आप सोसो कास्ट से आते हो, ठीक है, ऐसा किसी को अधिकार नहीं है। बाल मुकुंदाचार्य साहब हमारे साथ हैं, संगठनों से मेरी आपत्ति है। हाँ, नहीं, बाल मुकुंदाचार्य साहब हमारे साथ, मेरी आपत्ति है सर। सर मैं एक बार इनके पास जाता हूँ सर, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ। आज हम सलमान खान पे ही रहे सर, आज यही इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे किसी को जाति सूचक टिप्पणी कर देना, वो भी ऐसे सेलिब्रिटी स्टेटस के लोगों को, क्या ये उनको सूट करता है? मैं बाल मुकुंदाचार्य सर आपके पास आ रहा हूं। इस समाज में बहुत सारे भेदभाव रहे हैं, उसे दूर करने में सदियां लगी हैं सर। अब लगता है कि हम किसी तरफ बढ़ रहे हैं, शायद हम उन दरारों को, उन लकीरों को भर पाएंगे। इस बीच जब ऐसी टिप्पणियां आती हैं तो आपको नहीं लगता सर ये जले पर नमक छिड़क रहे, ये समाज के जले पर नमक छिड़कने जैसा है सर? श्रीमान, आपने सही कहा, मैं धन्यवाद दूंगा जी न्यूज को कि आपने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, सब बातों को समय समय पर आप लोग उठाते हैं सर। आज मैंने इंटरव्यू पहले नहीं देखा था, लेकिन जब आज मुझे मैंने भी देखा, ये विवाद खड़ा हुआ, तो मुझे ये पीड़ा हुई मन में कि ये शब्द जो बोला गया है उसके पीछे मैं कारण बता दूं, क्यों दुख है इस बात का। कुछ लोगों को नहीं पता, इसलिए शायद वो लोग इसको सरल मान रहे हैं। जिस समय बाहर के आतंकवादियों ने हिंदुस्तान पे, हिंदू वर्ष पे अपना आक्रमण किया था, कब्जा किया था और सबको जबरदस्ती धर्म अपनाने के लिए बाधित किया था, मैं आपको बता दूं, सबसे जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे, ये बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, सबसे उच्च कोटि के जो ब्राह्मण होते थे वो वाल्मीकि समाज के लोग थे। वाल्मीकि समाज के लोग जो थे, जिनको जो शब्द बोला गया है, वो शब्द से उनको इतनी नफरत क्यों है, चिढ़ क्यों है? कारण ये नहीं कि वो मैला ढोते हैं, मैला मैं भी अपना ढोता हूं, सब लोग अपनी रोज गंदगी साफ करते हैं, ये सत्यता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है श्रीमान, कि उनको जबरदस्ती कहते हैं मार मार के बनाने वाली जो स्थिति थी। आज मैं अगर ऐसे शब्द बोल दूंगा तो एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा और कई आपत्तियां हो जाएगी, हो सकता है अशांति भी हो जाए। जबरदस्ती उनको धर्म अपनाने के लिए बाधित किया गया था उन राजाओं के द्वारा, तो वो जब तैयार नहीं हुए तो प्राचीन काल में परंपरा थी कि सभी लोग चोटी रखते थे और सभी लोग यज्ञों पर भी धारण करते थे जनेऊ, और जिन लोगों की चोटी और जनेऊ काटी गई उन लोगों को ये कहा गया था शब्द, जिस शब्द को सुनकर पीड़ा होती है कि आप आज उस शब्द को याद दिलाकर क्या हमें वो दृश्य दोबारा याद दिलाना चाहते हैं? और जिन लोगों ने, सुनिए श्रीमान, अब
अपनी जिनकी चोटी और जनेव काटी और कहा तुम धर्म चेंज परिवर्तन करो अपना, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बोले जान से मरना मंजूर है धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उस वाल्मीकि समाज ने समाज को सजा दी गई कि तुम ये काम करो। तो आज क्या वापस वही याद दिलाना चाहते हैं लोग? कितनी बड़ी पीड़ा की बात है कि सम्मान नहीं है। सलमान खान एक ऊंचे पद पर बैठे हैं, समाज की सेवाओं में जिनकी चर्चा होती है, शिल्पा शेट्टी समाज की सेवाओं में जो जिनकी चर्चा होती है वो ये बोलने से पहले सोच नहीं रहे, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हैं, धनाढ्य लोग हैं, क्या उन्हें इतनी अकल और समझ नहीं है? इस अकल और समझ से ये पता चलता है कि इसके मानसिकता इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं वही आत्मताइयों वाला का स्वभाव इसके मन में है, कहीं ना कहीं शायद ये जान हो सकता है गलती से निकला हो, लेकिन माफी क्यों नहीं मांगी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ अंशु अर्जी, बिल्कुल अंशु अर्जी बिल्कुल पीड़ा है साहब, मैं वाल्मीकि समाज के साथ हूँ। नहीं सर, वाल्मीकि समाज के तो पूरा देश साथ है, सम्मान है पूरा, वाल्मीकि समाज के पूरा देश साथ है सर, इसमें कोई दोराय हो ही नहीं सकता, इसमें कोई दोराय हो ही नहीं सकता। जो लकीर खींच रहे हैं और जो खींचने की कोशिश करते हैं उन्हें तो हम कटघरे में खड़ा करते हैं और करते रहेंगे। मैं अंशु अर्जी हमारे साथ, अंशु अर्जी हमारे साथ, धन्यवाद देता हूँ महेंद्र साहब को जी बताइए। ठीक, अंशु अर्जी हमारे साथ। अंशु जी, आपको नहीं लगता कि सलमान खान ने गलत बोला? जी बिल्कुल गलत बोला है, क्योंकि उनको हीरो बनाने वाले भी समाज के ही लोग हैं, और अगर वो इस ओहदे पर पहुंचकर सुपर हीरो बनकर इस तरह की टिप्पणी किसी भी समाज पर करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, और उन लोगों की जो भी स्वाभिमान पर जो ठेस पहुंची है वो वाजिब है बिल्कुल। और अगर वो कह रहे हैं माफी मांगने के लिए तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, वो बहुत से काम अच्छे भी करते हैं, ये हम सब जानते हैं, हम देखे भी हैं, लेकिन कई बार वो अपने स्वभाव के कारण, शायद उनका स्वभाव कहीं ऐसा पड़ गया है जिसके कारण वो कई बार मुकदमों के घेरे में आ जाते हैं और उनसे फिर निपटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि अगर वो माफी मांग लें, क्योंकि माफी मांगने से छोटे नहीं होंगे बल्कि वो एक मिसाल पेश करेंगे समाज में। ऐसा होता क्या, आपको क्या लगता है, ये गलती में कह दिया या फिर समझ नहीं है या फिर वो वास्तव में हीन दृष्टि रखते हैं? ये तो उनकी बात से जाहिर हो रहा है ना कि अगर कोई कोरियोग्राफर मुझे ऐसा डांस करने के लिए बोलता है तो फिर मैं हीन महसूस करता हूं, और हीन को वो एक जाति को कहकर रिप्रेजेंट करते हैं, मैं शर्मिंदा हूं मैडम। बिल्कुल ये उनकी गलत सोच, ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है कि अगर उनको गलत कुछ लग रहा है, उनको कुछ हीन भावना महसूस हो रही है तो वो इस शब्द को काम में लें, ये तो उनकी बिल्कुल छोटी सोच हमें सबको दिख रही है, सबको नजर आ रही है, तो बिल्कुल गलत है। वो कुछ और कुछ कह के या कुछ समझा के भी वो कह सकते थे कि ये इस तरह की बातें उनको नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, दीपक डंडोरिया साहब, दीपक डंडोरिया साहब, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं और ये आश्वस्त कराना चाहता हूं, दीपक डंडोरिया साहब, आपके साथ पूरा देश है, पूरा प्रदेश है जी, और ये सिर्फ आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई है सर, बिल्कुल ये हमारी और पूरे प्रदेश की, पूरे देश की भावनाएं आहत हुई है, और इसीलिए इस प्रदेश के सबसे बड़े मंच पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन दीपक डंडोरिया साहब, मैं ये चीज कह रहा हूं सर, उग्र प्रदर्शन क्यों सर, उग्र प्रदर्शन क्यों सर, जब सब भावनाएं आपके साथ है, कानून आपके साथ है, मैं तो उग्र प्रदर्शन मैं क्यों सर? दो या तीन बातें अपनी आप यहां पे रखना चाहता हूं। ठीक सर, दो तीन बातें अपनी बताऊंगा जो कि अच्छी बातें आपको लगेगी। पहली बात तो ये कि महंत साहब ने हमारा इतिहास बता दिया, पूरा देश जान ले, जो दर्शक देख रहे हैं वो जान ले कि बालमुकुंदाचार्य जी महाराज ने जो हमारा इतिहास बताया कि हम कौन थे और कैसे हमें घृणित किया गया, बनाया गया, तथाकथित शब्द हमें दिया गया, संपूर्ण वाल्मीकि समाज को भी ये गर्व का विषय है, उनको भी ये जान लेना चाहिए जिन लोगों को नहीं पता, हमारा इतिहास हमें पता है। दूसरी बात, आप ये देखिए, जब भी देश में धार्मिक उन्माद होता है, संप्रदायों की कोई लड़ाई होती है, तो यहाँ दोनों मेरे साथी बैठे हैं और आप भी मौजूद है, आप देखते हैं कि समस्त जो हम हिंदू जो हैं, मैं तो अपने आप को आज से तथाकथित हिंदू कह रहा हूं, हम जो तथाकथित हिंदू हैं वो सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज का सहारा लेकर संप्रदाय की आग में हम लोगों को झोंक देते हैं और हमारे जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनसे लड़ाई करवाते हैं, और कोई भी हिंदू जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, उच्चस्त पदों पर चल जाते हैं, देश में शासन प्रशासन करते हैं, वो कभी आकर रोड पर नहीं लड़ता है सर, लड़ता वाल्मीकि समाज है और वाल्मीकि समाज के लोग हैं, और जहां वाल्मीकि समाज रहता है ना वहां पूरे देश में, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको कह रहा हूं, अपने आप को आप सेफ फील करते हैं, और फिर आप ऐसे
ऐसे समाज के प्रति आपका दर्द नहीं जागा? ऐसे समाज के प्रति जब कोई तीखा टिप्पणी करता है, इतनी गंदी बात बोलता है, तो किसी नहीं भी सर, मैं लाता हूँ कटघरे में, धर्म के ठेके मैं लाया हूँ कटघरे में सर, आज आज और आप देखेंगे सर कल आपके साथ कितने नेता खड़े होते हैं। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, आज इस मुद्दे को उठाने का अभी तीसरी बात मेरी सर, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए फटाफट। तीसरी बात कि जो लोग आज हम सिर्फ पुतला जला रहे थे सलमान खान जी का, जो पुतला जला रहे थे उस पुतले में नाबालिग बच्चे ये देखने के लिए चले गए, क्योंकि मैंने कहा सलमान खान जी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका पुतला देख के वाल्मीकि समाज के बच्चे चल गए जिनको ये पता भी नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, 60 से 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया, नाबालिगों को कम से कम 8-8 घंटे जेल में बिठाए रखा पुलिस कमिश्नरेट ने और पुलिस वालों ने। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या कानून दबे कुचले असहाय और वाल्मीकि समाज नहीं, नहीं सर, आप दबे कुचले नहीं है सर, कानून की बंदी से हमारे हम साथ में, लेकिन हाँ उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों ने अगर भावनाएं आपकी साथ, कानून साथ है ना सर, एक जैन सर कानून साथ है ना, सुन लीजिए आप, उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी, उन्होंने हमारी बात सुनना पसंद ही नहीं करी, और उन सब लोगों को अभी भी उन्होंने अरेस्ट किया हुआ था जिनको जमानत पर छोड़ने ठीक है। जैन सर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, हमने ये सर अगर किसी की भावनाएं आहत होंगी, जैन सर मैं आप ही का सवाल, डांडोरिया साहब एक सेकंड, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, अगर किसी की भावनाएं आहत होंगी सर, वो पुतला तो जलाएगा ही ना सर, ये तो हक है उसका। देखिए प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने का, अपना विरोध जाहिर करने का अधिकार हर एक को है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, और परंतु साथ साथ वॉयलेंस करने की छूट किसी को भी नहीं है। आप शांति से अपनी बात कह सकते हैं, शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन कर रहे हैं कानून की सीमा में, हाईकोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, परंतु अगर आप कानून अपने हाथ में लेने लगेंगे, तोड़फोड़ करने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो मामला पद्मावती का हो, चाहे टाइगर जिंदा हो, किसी का भी हो, किसी को भी, चाहे वो सड़क रोकने का मामला हो, ये टाइगर जिंदा है का मामला ही नहीं है सर, ये तो एक जाति को सीधे टिप्पणी टोका टिप्पणी करने का चाहिए, पर फिल्म का विरोध ही नहीं है, तो व्यक्ति का विरोध है। इसी बात ये है, व्यक्ति नहीं, किसी का विरोध हो, विरोध किसी का भी हो, पर आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, विरोध करने का तरीका शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर वाल्मीकि समाज शांतिपूर्वक, मैं बहुत प्रैक्टिकल, बाल मुकुंदाचार्य साहब, पर बाल मुकुंदाचार्य साहब उस पर भी कार्रवाई हो, बाल मुकुंदाचार्य साहब, मैं बहुत प्रैक्टिकल, डांडोलिया साहब मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, बाल मुकुंदाचार्य साहब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, जब स्ट्रेंथ आती है किसी कम्युनिटी में और जब उसको पता चलता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो वो कानूनी रास्ते अपनाना शुरू कर देता है, उसको पता होता है कि जब मेरे साथ सब लोग हैं तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, अहित नहीं हो सकता। बाल मुकुंदाचार्य साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब आंदोलन अपने ऊपर लगे किसी शब्द को लेकर एक समाज कर रहा है, आप क्या ये भरोसा दिलाते हैं कि पूरा समाज उनके साथ में खड़ा होगा, शांति से प्रदर्शन होंगे और उनको मजबूर किया जाएगा जिन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया? सर आप ये विश्वास दिला रहे हैं आज डंडोदिया साहब को? मैं आप जी न्यूज के माध्यम से, ये मैं जी न्यूज के माध्यम से आप निवेदन कर रहा हूं संपूर्ण राष्ट्र को, इस रहने वाले संपूर्ण राष्ट्र के हिंदुओं को, कि वाल्मीकि समाज, जिस समाज को जिस नाम से, जिस गंदे शब्द से बोलकर उनको आहत किया है, मैं पूरे समाज को निवेदन करता हूं, संपूर्ण हिंदू संगठनों को निवेदन करता हूं कि वाल्मीकि समाज के साथ हम लोग साथ रहें, और जिस व्यक्ति ने गंदा बोला है, जिस बहन ने गंदा बोला है, वो माफी मांगे, और जो पीड़ा थी, जिस पीड़ा को जिस शब्द के रूप में बोला गया, दोबारा जीवन में कभी भी कोई ना बोले, ये ध्यान रहे कि इस अगर यहां सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, वापस से कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराना चाहते हैं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शब्द की उत्पत्ति वहीं से हुई थी। हिंदू मुस्लिम में नहीं जाना सर, हिंदू मुस्लिम में नहीं जाना सर, अपनाने के लिए ये तो इज्जत की बात है, हिंदू मुस्लिम नहीं सर, ये इज्जत की बात है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ साहब मैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं सर, ये एक साहब बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आप इतिहास में जाए, कारण यही था इसके पीछे, आप जबरदस्ती किसी को धर्म कैसे अपनाने के लिए बाधित कर सकते हैं, इनको जबरदस्ती बाधित किया गया, और उसकी वजह से इन पर जो लागू किया गया, आज आप उसको याद दिला के, उस पीड़ा को याद दिला के गुस्सा दिला रहे हैं। अरे ठीक है, हमारे साथ माफी मांगनी चाहिए, बहुत बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, अंशु अर्जी आपको लगता है कि इसके पीछे किसी की ये मानसिकता रही होगी? अंशु अर्जी
किसी की ये मानसिकता रही होगी, कोई किसी को याद दिलाना चाहता हो, लेकिन माफी क्यों नहीं मांगते? अभिन्न हिस्सा है, इस राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी मानसिकता नहीं रही होगी क्योंकि अंशु जी, ऐसी मानसिकता नहीं रही होगी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को अगर करीब से देखें ना, तो वो उन लोगों को ये लगता है कि अगर कोई छोटी सी कंट्रोवर्सी छोड़ देंगे तो फिल्म शायद ज्यादा चलेगी, वो मार्केट में एक अच्छा बिजनेस कर पाएगी। हो सकता है ये मानसिकता उनकी इस बात में ये मानसिकता है, तो फिर प्रमोशन कर देंगे। गलत फहमी निकाल दीजिए कि वाल्मीकि कोई बात नहीं, रणु जी कमजोर है, दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है। पूरा वाल्मीकि समाज जाग चुका है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम साक्षर हो चुके हैं, हमारी शिक्षा बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसका परिचय आपने देख लिया होगा आज। एके जैन जी, एके जैन जी, मैं इस गैर जमानती है क्या? सीधा एके जैन जी, गैर जमानती है क्या? ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से और प्रशासन से कि एके जैन जी गैर जमानती है, ऑफेंस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपने स्तर पर एक्शन लेंगे और हम ये बताएंगे कि क्षत्रिय क्या होता है, असली और नकली क्षत्रिय में क्या अंतर होता है, असली हिंदू और नकली हिंदू में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम घृणित हुए हैं, हम अपमानित हुए हैं, हमारे बच्चों को आज जेल में डाला गया है सर, सब अपमानित, नाबालिग बच्चों को छुड़ाने की। आज मैं बताता हूँ सर आपको लेकर के प्रदेश क्या सोच रहा है सर, मैं आपको बताता हूँ राजस्थान क्या सोच रहा है सर आपको लेकर, और इस बात को लेकर ये आपको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, और इसीलिए मैंने आज ये डिबेट हमने प्लान की, जी राजस्थान ने प्लान की, हम चाहते थे कि यह बात सामने आए। आज हमने दिन भर प्रदेश की जनता से सवाल पूछा कि क्या सलमान के लफ्जों से वाल्मीकि समाज का अपमान हुआ है, और मैं कहूंगा ये सिर्फ वाल्मीकि समाज का अपमान नहीं, यह हमारी इंटीग्रिटी का अपमान है, जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो शब्द 90% लोग मानते अपमान हुआ है, 10% इससे इत्तेफाक नहीं रखते, पूरे समाज को इसमें एकजुट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, और जिसने शर्मिंदा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो शब्द सुना गया आप इस चीज को मानिए, अगर गलती से निकला है तो उस गलती के लिए माफी मांगने के बाद उससे बचा जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा मामला होने के बाद, लोगों का इतना गुस्सा बाहर आने के बाद भी अगर कोई माफी नहीं मांगे तो फिर क्या कहा जाए? अपमान करना ये अच्छा नहीं, और फिर अगर बात कानूनी पेचीदगियों में जाएगी तो फिर क्या होगा, ये सबको पता है। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही, नमस्कार।